अल्लाह अकबर। अनपढ़ और गरीब माँ की याद में उन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें लिखी। कहा, आली नसब होटलों में खाना खाने में वो सुरूर कहाँ जो चूल्हे पर बैठ के माँ के हाथों से पकी हुई चपातियाँ खाने में मिलता है। आली जनाब, हजरत साहब, किबलाए आलम, क्या क्या लफ्ज़ बोले जाते हैं स्टेजों के ऊपर, लेकिन इन लफ्ज़ों का वो नशा नहीं मिलता जो माँ की ज़ुबान से ओए बबलू और ओए मिट्ठू में रखा हुआ है। माँ जब ये कह के पुकारती है तो लगता है कि सारा प्यार सिमट के माँ के लहजे में आ गया है, लफ्ज़ नहीं है, माँ के मुंह से शहर टपक रहा है। माँ जब बोलती है तो उसके लहजे में जिब्रील बोलता है। माँ जब मुस्कराती है तो लगता है जन्नत की सारी कलियाँ खिल उठी हैं। माँ जब प्यार से देख रही होती है तो लगता है अर्श से रहमतें उतर रही। अल्लाह ने माँ के सीने के अंदर वो मोहब्बत, वो तड़प रखी है, वो एक कायनात रख दी है उल्फतों की कि जिसका नेमुल बदल क्या बदल भी मौजूद नहीं। वो प्यार रख दिया, वो दर्द रख दिया, वो दरक रख दिया, वो उल्फत रख दी माँ के सीने के अंदर। एक शायर हुआ ताबश, उसने माँ के प्यार को कितने खूबसूरत पैराए में बयान किया। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबश, मैंने एक बार कहा था मुझे रात को डर लगता है। एक दिन बचपन में मेरे मुँह से निकला था, अम्मी मुझे रात को सोते हुए डर लगता है, मैं बूढ़ा भी हो गया हूँ। मेरी माँ अब भी मेरे बिस्तर पे फूंके मार कि मेरे बेटे को रात को डर ना लगे। ये माँ के सीने का प्यार है, माँ की उल्फत है, ये माँ की तड़पती हुई ममता है। औलाद के लिए वो दुख भी झेलती है, तकलीफें भी सहती है। गरीब माएँ लोगों के घरों के बर्तन भी मांजने पड़े तो इससे भी गुरेज नहीं करती। शहर में आकर पढ़ने वालों भूल गए हो किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा है। इसलिए माँ की कमी इंसान बुढ़ापे में भी महसूस करता है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान कहे कि कोई बात नहीं, अब मैं बड़ा हो गया, मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होती। बूढ़ा भी हो जाए इंसान जो है वो सबसे ऊंचे मनसब पर भी बैठ जाए। मैं और आप क्या, मेरी और आपकी हैसियत और औकात ही क्या। इमामुल अंबिया हुजूर खत्मुल मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा नबवत से निकले और जो ही हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले पर तशरीफ़ फरमा हुए तो हुजूर को देख करके तमाम सहाबा अदब से खड़े हो गए। जो ही ये उमटता हुआ प्यार देखा तो हुजूर की नज़र पलट के कई साल पीछे चली गई और अबवा की वादी में अपनी माँ की कब्र पे खड़ा हुआ अपने आप को पाते हैं हुजूर। और फिर एक जुमला कहा अल हावी लिल फतावा के अंदर, इमाम सयूती ने इसको बड़ी तफसील से लिखा है कि चश्मान रहमत से आंसू टपकने लगे और हुजूर मुसल्ले पे खड़े हो गए और फरमाया लो अदरक तो वाले दैया और अहदहुमा, काश आज मेरे माँ बाप जिंदा होते या कम अज़ कम मेरी माँ ही जिंदा होती और मैं लोगों को नमाज पढ़ा रहा होता। व अक़रा फ़ीहा बिफ़ातिहतिल किताब, और उसमें सूरह फातिहा की तिलावत चल रही होती। फिर मेरी माँ को मेरे साथ अचानक कोई काम याद आ जाता, वो दरवाजे पर आती और चिलमन सरकाती और मुझे बेटा कह के आवाज़ देती। फरमाए लोगों नमाज छोड़ के पहले माँ की बात सुन लेता। तो माँ की कमी तो इंसान ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में महसूस करता। फिर इससे बड़ा मनसब किसका हो सकता है जो इमामुल अंबिया का मनसब है। इतना बड़ा एजाज़ किसका हो सकता है जो ख़ातमुल मुरसलीन का एजाज़ है, जो महबूबे खुदा है, कौनैन के मालिक हैं। लेकिन माँ की कमी को वो भी महसूस करते हैं, माओ शमा के शुमार में है। तो माँ बाप का वजूद अल्लाह की रहमत है। जब ये साया सर से उठ जाता है तो फिर पता चलता है कि बंदा खड़ा कहाँ है। जब घने दरख्त के साय में बैठा हो और वो दरख्त सारी धूप अपने पत्तों में जज़ब कर रहा होता है और नीचे बैठने वाले को छाँव फराहम कर रहा होता है और उससे नहीं पता होता कि जो मुझे छाँव दे रहा है वो खुद कितना जुलस रहा है। लेकिन अचानक जब साया हट जाए और बंदा कड़ी धूप में आ जाए फिर उसे एहसास होता है कि वो साया कितना गनीमत था। जिनके माँ बाप मौजूद हैं वो उनकी खिदमत करके दुनिया और आखिरत की सरखुरियाँ हासिल करें। अल्लाह की रज़ा भी इसमें है, रसूलुल्लाह की रज़ा भी इसमें है और दुनिया और आखिरत की बेहतरियाँ इसी के अंदर पिन्हा है कि माँ बाप की तकरीम बजा लाई जाए।